नमस्कार, मैं हूं कोमल कुमार शाह। अब तक के काफ़ी सारे बिजी 21 के वीडियो में हमने बिजी 21 के अलग अलग फीचर्स देखे हुए हैं, पर बिजी एक्चुअली है क्या, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कितने फीचर्स है, उसको पूरा एक्सप्लेन करने का ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा है, पर बिजी के एक एक फीचर्स जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं, ताकि अगर आप बिजी परचेस करना चाहते हैं तो भी आपको समझ में आएगा कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कितने फीचर्स हैं जो आपके बिजनेस में काम में आ सकते हैं, और अगर आप बिजी के एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो भी आपको समझ में आएगा कि बिजी के पास कितने फीचर्स हैं जिसको आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अपना जो वर्क है उसको ईजी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो बिजी के जो डिफ़ॉल्ट मॉडल है उसका अगर डिस्कशन करें तो बिजी के पास तीन एडिशन है, सॉफ्टवेयर के एडिशन जो है बिजी मॉडल में तीन एडिशन है। पहला एडिशन है उसके पास बेसिक, दूसरा है स्टैंडर्ड और तीसरा है एंटरप्राइज। तो उसके पास तीन एडिशन है। डेटाबेस की टाइप, बिजी का जो डेटा है वो किस टाइप में स्टोर होता है, तो डेटा एक्सिस में स्टोर होता है और एमएस एसक्यूएल में स्टोर होता है। तो अगर आपका बिजनेस जो है वो छोटा है, डेटा एंट्रीज छोटी है, आपके जो है 10 से 12 हज़ार के आसपास ट्रांजेक्शन है, तो एक्सिस जो है इट इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, अगर आप HOBO मीन्स मल्टी लोकेशन से सिंक करते हो, तो इस केस में आपको SQL की रिक्वायरमेंट है। दोनों डेटा टाइप को बिजी सपोर्ट करता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, सिंगल यूज़र, ड्यूअल यूज़र एंड मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र माने आप एक कंप्यूटर पे काम कर पाते हो, ड्यूअल यूज़र माने आप दो कंप्यूटर पे काम कर पाते हो, और मल्टी यूज़र माने आप दो से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6 जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसके ऊपर अगर आपको काम करना है तो काम कर पाते हो। तो ये बात की हमने बिजी के एडिशन की, बेसिक होता है, स्टैंडर्ड होता है, एंटरप्राइज होता है, डेटाबेस टाइप में एक्सेस और SQL होता है, और यूज़र टाइप में सिंगल यूज़र, ड्यूअल यूज़र और मल्टी यूज़र होता है। नाउ फटाफट से बेसिक में क्या आता है और बेसिक किन लोगों के लिए सुटेबल है उसके बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा आ गया, पेमेंट रिसिप्ट, सेल्स परचेज, बैंक कैश, सब कुछ इसमें आ गया। तो अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो उसमें ये सारे जो वाउचर्स है, पेमेंट रिसिप्ट, सेल्स परचेज, बैंक कैश, ये सारी एंट्री कर पाएंगे। मल्टी लोकेशन इन्वेंट्री, आपका गोडाउन एक से ज़्यादा जगह पर है और आपको लोकेशन वाइज मेंटेन करना है तो भी आप मेंटेन कर पाएंगे मटेरियल सेंटर वाइज। MIS एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। MIS एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग मीन्स काफ़ी सारे रिपोर्ट दिए गए हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं एज अ मैनेजमेंट, एज अ ओनर, एज अ डायरेक्टर, एज अ पार्टनर। अगर आपको डेटा चाहिए, आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं, उसके रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो भी आप निकाल पाएंगे। TDS एंड TCS दोनों प्रॉपर वे में कवर किया गया है इसमें, तो आपको उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि छोटा वर्जन होगा तो इसमें ये सारी चीज़ें नहीं होगी, ऐसा नहीं है। GST जो है वो पूरा दिया गया है, GST पूरा रिटर्न है, रजिस्टर्ड है, और ई रिटर्न भी यहाँ पे GST में दिए गए हैं। तो आप अगर रेगुलर डीलर हो या कंपोजिशन डीलर हो, आपके लिए ये सॉफ्टवेयर परफेक्ट है। वैट रिपोर्ट जो है वो अभी तक इसमें मेंटेन करके रखे गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट पे आज भी वैट एप्लीकेबल होता है। यूज़र कॉन्फिगरेबल इनवॉइस, यूज़र कॉन्फिगरेबल इनवॉइस माने आपको आपके इनवॉइस को आपके हिसाब से चेंज करना है तो भी आप चेंज कर पाते हो। और यूज़र कॉन्फिगरेबल डॉक्यूमेंट लेबल एंड लेटर प्रिंटिंग, वो भी आपको आपके हिसाब से वर्क करनी हो तो आप कर पाएंगे। नाउ तो ये बेसिक सॉफ्टवेयर है। अगर आपका नॉर्मल ट्रेडिंग का बिजनेस है, आप सिंगल यूनिट में काम करते हो, आप जिस यूनिट में बाय करते हो उसी यूनिट में सेल करते हो, मान लीजिए कि मेरी एक स्पॉट्स की दुकान है, मैंने 15 बैट खरीदी और 15 बैट को ही बेचा, मैं ना उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहा हूँ, ना मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ना मैं जॉब वर्क करवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, सिंपल ट्रेडिंग का काम है मेरा, तो बेसिक जो है वो मेरे लिए परफेक्ट है, जिसमें मैं कंपोजिशन हूँ या तो रेगुलर हूँ, मेरा GST मेंटेन हो पाएगा। नाउ स्टैंडर्ड की कब ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टैंडर्ड के फीचर्स को समझ लेते हैं तो ध्यान में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड की कब ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक के सारे फीचर्स तो स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन किए गए हैं, साथ में अगर आपको कोटेशन बनाने हैं, सेल्स कोटेशन या परचेज कोटेशन की एंट्री करनी है, मीन्स बेसिक में कोटेशन नहीं है, तो अगर आपको कोटेशन की रिक्वायरमेंट है तो आपको स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। सेल्स परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग पूरा आ गया, मीन्स आपका SO और PO की पूरी सिस्टम जो है वो इसमें इम्प्लीमेंट हो गई।
सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर पूरा आ जाएगा। चालान सिस्टम जो है, क्या आप डिलीवरी चालान से मटेरियल बेचते हैं या तो डिलीवरी चालान से मटेरियल लेते हैं, तो चालान सिस्टम इसमें पूरी आ गई है। पॉस पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग फॉर रिटेल कस्टमर्स, जो जितने भी रिटेल कस्टमर्स हैं उसको पॉस की अगर रिक्वायरमेंट है तो पॉस बिलिंग भी इसके अंदर अवेलेबल है। पॉस बिलिंग माने ये हो गया कि कार्ड से पेमेंट ले रहे हैं, कैश से पेमेंट ले रहे हैं, कोई बोनस डिस्काउंट कुछ भी, मीन्स पॉस मीन्स रिटेल काउंटर पे जो पॉस होता है वो पूरा इसमें दिया गया है। स्कीम मैनेजमेंट दिया गया है, स्कीम मैनेजमेंट माने पर्टिकुलर डे वाइज भी अगर आपको स्कीम चाहिए, पर्टिकुलर कोई एक डेट की स्कीम चाहिए, मीन्स सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्कीम मैनेजमेंट है, एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री है, एक के साथ दूसरे प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट के ऊपर है, तो ये पूरी स्कीम मैनेजमेंट दी गई है। बिल ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्शन पूरा दिया गया है, मीन्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो BOM जो बोला जाता है, बिल ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, वो इसमें दिया गया है कि रॉ मटेरियल कितना आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, सेमी फिनिश कितना है, वो सब आपको अगर वर्किंग करनी है तो डेट वाइज प्राइसिंग चाहिए। कई प्रोडक्ट ऐसी होती है कि जिसकी हर रोज प्राइसिंग आती है, तो डेट वाइज प्राइसिंग चाहिए, तो वाउचर को ऑडिट करना है, इंटरनल ऑडिटिंग सिस्टम, तो आप वाउचर ऑडिटिंग का फीचर स्टैंडर्ड में अवेलेबल है। ऑटोमेटिक ई वे बिल जनरेशन, ई वे बिल जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए इसमें से ही डायरेक्टली, तो इसका भी ऑप्शन दिया गया है। वैलिडेटेड GSTN ऑनलाइन, ये सारे फीचर्स के वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और एक एक फीचर्स के वीडियो आपको मिलेंगे। मैंने जो एक कोर्स भी ऑनलाइन लॉन्च किया है Busy21 का, जिसके अंदर पूरे जो जितने भी ये फीचर्स हैं उसको मैं सिखाने वाला हूँ और इसके लाइव क्लासेस भी होंगे, तो आप अपने घर पे बैठ के भी पूरा, ऑफिस में बैठ के भी पूरा बिजी सीख पाएंगे। तो वैलिडेटेड GSTN ऑनलाइन मीन्स किसी का लेजर बनाने के टाइम पे ही उसका GSTN नंबर चेक किया जाए कि सही है कि नहीं सही है। मोबाइल ऐप की अगर रिक्वायरमेंट हो तो सीरियल नंबर वाइज, अगर आपको स्टॉक मेंटेन करना हो सीरियल नंबर वाइज, काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिसमें सीरियल नंबर की ट्रैकिंग होती है, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। MRP की ट्रैकिंग करनी हो तो पॉसिबल है। बैच वाइज अगर आपको ट्रैकिंग करनी हो तो भी अवेलेबल है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैच वाइज एंड सीरियल नंबर वाइज, कई लोग पूछते हैं कि कौन भाई बैच नंबर में मेंटेन करना चाहिए कि सीरियल नंबर में मेंटेन करना चाहिए, तो ये सारा जो है वो मैं आगे वाले के वीडियो में बताने वाला हूँ। एक एक वीडियो में एक एक फीचर्स के ऊपर एक एक डेप्थ में वीडियो बनने वाला है, यहाँ पे मैं सारा एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे सिर्फ फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सीरियल नंबर वाइज भी है, MRP वाइज भी है और बैच वाइज भी ट्रैकिंग दी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स बिजी का पैरामीटर वाइज स्टॉक ट्रैकिंग, पैरामीटर वाइज स्टॉक ट्रैकिंग माने साइज हो गया, कलर हो गया, मीन्स शर्ट में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है, ML, XL, XXL, फिर कलर होता है, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, फिर डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन कोड 101, 102, 103। तो अगर पैरामीटर वाइज इन्वेंटरी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, सबका सेपरेट स्टॉक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पैरामीटर वाइज होने से क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजिली मेंटेन कर पाएंगे। सबसे बढ़िया एक और फीचर्स बिजी का बाइंडिंग डेटा एंड यूज़र विथ हार्ड डिस्क, पर्टिकुलरली एक हार्ड डिस्क के ऊपर ही वो डेटा ओपन हो पाए, अगर आपको ऐसा लॉक लगाना है तो लॉक लगा पाएंगे। आपकी कंपनी में मल्टी यूज़र चल रहा है, 10 लोग काम कर रहे हैं, पर कोमल भाई के लैपटॉप से ही कोमल भाई का यूज़र लॉगिन होना चाहिए, अगर ऐसा भी लॉक करना है तो आप लॉक कर पाएंगे। कॉन्फ़िगरेबल बैलेंस शीट / प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आपको जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना हो तो कर पाएंगे। दूसरा एक बहुत बढ़िया फीचर दैट इज़ जॉब वर्क, जॉब वर्क इन एंड जॉब वर्क आउट, अगर आप जॉब वर्क करते हैं या तो जॉब वर्क करने के लिए बाहर मटेरियल बेचते हैं तो वो अवेलेबल है। GSTN का रिटर्न जो है वो JSON फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करके चाहिए तो स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएगा। रिकंसिलेशन ऑफ GSTR2 एंड GSTR2A डायरेक्टली विथ पोर्टल कनेक्ट करके आपको सीधा दिखाएगा तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। एक चीज़ को ध्यान में दीजिए कि इन 5 फीचर्स के ऊपर यहाँ पे हैश साइन लिखी हुई है और हैश साइन पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज फीचर्स आर अवेलेबल ओनली विद एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन, मीन्स अगर आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है तो ही इन 5 फीचर्स का आप यूज़ कर पाएंगे। अगर आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड हो गया है तो ये 5 फीचर्स काम नहीं करेंगे। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको
टॉप में दिखाई देगा, BLS अप टू जो डेट लिखी हुई है तो वहाँ तक। तो हर साल मैं तो यही कहूँगा कि आपको आपका सब्सक्रिप्शन रेगुलर बेस पे करवाते रहना चाहिए। दिन का 7 रुपये से 15 रुपये तक का खर्चा आता है डिपेंडिंग अपॉन योर मॉडल, बट दिन में 7 से 10 रुपया खर्चा करके अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि पूरा बिजनेस उसी से चलता है। नाउ अब आते हैं एंटरप्राइज के फीचर्स के ऊपर। तो अगर आपको इन सारे फीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको स्टैंडर्ड वर्जन में जाना चाहिए। और एंटरप्राइज में कब आना चाहिए वो भी देख लेते हैं। अगर आपको कंप्लीट पेरोल की रिक्वायरमेंट है, पेरोल मीन्स आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसका सैलरी कैलकुलेशन पूरा आपको सिस्टम से निकालना है तो आपको पेरोल चाहिए, तो यहाँ पे आ सकते हैं। इंडेंट मैनेजमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट होता है, बाकी के डिपार्टमेंट उसको इंडेंट जनरेट करके बेचते हैं, इंडेंट जनरेट करके बेचते हैं। तो इंडेंट मैनेजमेंट आपको कम्प्लीटली चाहिए। तो आपको अप्रूवल सिस्टम चाहिए वाउचर और मास्टर की, तो आपको एंटरप्राइज में जाना पड़ेगा। ब्रांच वाइज रेट एंड टैक्स एंड ब्रांच वाइज प्राइस जो है वो आइटम के आपको अपडेट रखने हो तो एंटरप्राइज में जाना पड़ेगा। आपको मैसेज सेंटर चाहिए, मल्टी यूज़र यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए आपको मैसेज सेंटर चाहिए। तो यूज़र एक्टिविटी लॉग, यूज़र एक्टिविटी लॉग जो नया एक अमेंडमेंट आया है ऑडिट ट्रेल वाला, तो अगर आपको पूरा यूज़र एक्टिविटी लॉग चाहिए, किसने कब लेजर बनाया था, किसने कब मॉडिफाई किया था, कौन सा वाउचर कब बनाया गया, एंटर किया गया, किसने मॉडिफाई किया, वो सारे फीचर्स अगर आपको चाहिए तो आप जो है इसको मेंटेन कर पाएंगे। इंक्वायरी एंड सपोर्ट मैनेजमेंट, इंक्वायरी एंड सपोर्ट मैनेजमेंट माने कि कंप्लीट जो है कंप्लीट अगर आपको CRM मेंटेन करना है तो पूरा CRM जो है वो एंटरप्राइज एडिशन में अवेलेबल है। मास्टर सीरीज ग्रुप आपको बना रहे हैं तो वो अवेलेबल है। ईमेल और SMS से क्वेरी डायरेक्टली जनरेट करवानी है तो अवेलेबल है। वेब बेस्ड रिपोर्टिंग चाहिए मोबाइल से के थ्रू या तो इसके थ्रू, तो आपको एंटरप्राइज में जाना पड़ेगा। एंड ऑटोमेटिक डेटा मर्जिंग फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस मीन सिंक्रोनाइजेशन करना है तो आपको एंटरप्राइज में जाना पड़ेगा। 90% कस्टमर की नीड जो है वो स्टैंडर्ड में कंप्लीट हो जाती है। कई लोगों को CRM की रिक्वायरमेंट होती है तो CRM जो इंक्वायरी सपोर्ट मैनेजमेंट में आता है तो स्पेसिफिक CRM के लिए एंटरप्राइज में जाना पड़ेगा। और अगर आपको और जो है कि आपको सिंपल सा बिजनेस है तो आप बेसिक में भी जा सकते हैं। और मान लीजिए कि आपने एक बार अगर बेसिक सॉफ्टवेयर बाय किया है और फ्यूचर में आपको इन फीचर्स की रिक्वायरमेंट आई है तो आप ये भी कर सकते हैं कि बेसिक टू स्टैंडर्ड अपग्रेडेशन कॉस्ट जो है वो डिफरेंस अमाउंट पे करके माइग्रेट हो सकते हैं। आज आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको एंटरप्राइज में जाना है तो स्टैंडर्ड टू एंटरप्राइज का डिफरेंस अमाउंट पे करके आप एंटरप्राइज में जा सकते हैं। आप अगर आज सिंगल यूज़र यूज़ कर रहे हैं और ड्यूएल में जाना है तो डिफरेंस अमाउंट पे करके भी आप ड्यूएल में जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने BG21 के सॉफ्टवेयर के सारे जो फीचर्स हैं उसको समझने का ट्राई किया। इस एक वीडियो को देखकर आप अपने लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है वो आप चूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम पड़ा कि बीजी के अंदर कितने फीचर्स हैं तो आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके जो है कि अपने बिजनेस को ऑटो रन जो करना चाहते हो और एकदम ईजिली बिजनेस को मेंटेन करना चाहते हो वो मेंटेन कर पाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसका पूरा एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं एक एक फीचर्स का, तो उस कोर्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसकी जो लिंक है कोर्स सब्सक्रिप्शन की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्लिक करके आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके कोर्स सब्सक्राइब कर पाएंगे, अपने घर में बैठ के ऑफिस में बैठ के पूरा बिजी सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आभार।